नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, आप सभी के फ़ोन में जियो सिम होगा या फिर चाहे आप कोई भी सिम यूज़ करते हो, अगर आप इंटरनेट स्लो होने को लेकर बहुत परेशान हो, इस वीडियो में आप सभी को ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस सेटिंग को फ़ोन में कर लोगे फिर आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत फास्ट चलेगा। और दोस्तों, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ़ोन में एक सेटिंग करना है। अगर आप उस सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो, जरूर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप सही तरीके से फोन में उस सेटिंग को करके फास्ट इंटरनेट का मजा ले सको। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलो दोस्तों, हम फटाफट से वीडियो को ही शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। पर आपको सीधा वीडियो के नीचे आना है कमेंट सेक्शन में और आपको यहां पर एक छोटा सा कमेंट करना है और यहां पर लिखिए फास्ट इंटरनेट, यहां पर आपको लिखना है। फिर आप जो भी सिम यूज करते हो यहां पर उसे लिख दीजिए और इसे कमेंट कर दीजिए। ये छोटा सा काम करना मत भूलना, जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करना। दोस्तों, फोन में इंटरनेट बहुत फास्ट करने के लिए फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जियो सिम या फिर वोडाफोन एयरटेल जो भी सिम यूज़ कर रहे हो, इस वीडियो में आप सभी को जो सेटिंग बताने वाला हूँ ये सेटिंग सभी सिम में वर्क करेगा और आपके फोन में इंटरनेट बहुत फास्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं फोन में अभी जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले फोन में सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स, बस आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर जियो देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप वोडाफोन एयरटेल जो भी सिम यूज़ कर रहे हो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा। तो जियो के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए इंटरनेट, ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने हैं इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर APN इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जियो नेट, अगर आप वोडाफोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर वोडाफोन नेट होना चाहिए, अगर आप एयरटेल यूज़ करो यहाँ पर एयरटेल नेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ज़रूर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी जियो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जियो नेट है। ये होने जाने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर हल्का सा स्क्रोल नीचे करना है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन फिर मिलेगा आपको सर्वर, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जियो नेट, ठीक है। अगर आप वोडाफोन या फिर एयरटेल यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आपको www.google.com लिखना है, ठीक है। सिर्फ जियो यूज़र यहाँ पर जियो नेट लिखें और जो वोडाफोन और एयरटेल यूज़र हैं और आइडिया यूज़र वो यहाँ पर लिखें www.google.com और उसे ओके कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सेव करना है। फिर हल्का सा स्क्रोल नीचे कीजिए और आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, देखिए APN प्रोटोकॉल, ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और डेफिनेटली आपको यहाँ पर IPv4 और IPv6 आपको सिलेक्ट करना है, ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है, थर्ड में जो ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर कोई एक को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, बैक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर भी वही सेम सेटिंग आपको लगानी है IPv4/IPv6, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन रोमिंग में चला जाता है, तो ऐसे में क्या होगा ना, वो सिंगल नेटवर्क को रिसीव करेगा। अगर ये दोनों सिलेक्ट करके रखोगे तो दोनों नेटवर्क में वर्क करेगा, जो भी नेटवर्क उसे मिलेगा रेंज में उसे वो कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैरियर, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं ना, डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है, जो काफ़ी गलत है। तो यहाँ पर आपको LTE सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर ये LTE सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा मोनो टाइप, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। बहुत सारे यूज़र के फ़ोन में, डेफिनेटली 90% यूज़र के फ़ोन में यहाँ पर GID होगा, तो यहाँ पर आपको नॉन कर देना है, ठीक है, यहाँ पर नॉन कर दीजिए। और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप सेव करोगे आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत फास्ट हो जाएगा, बट उससे पहले आपको और एक सेटिंग करना है। क्या करना है, आपको यहाँ से बैक करना है, होम स्क्रीन में आइए, फिर आपको यहाँ पर फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा सेटिंग आपको फ़ोन में करना है और आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है फ़ोन में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जो सेटिंग था आपको पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर व्हाट्सएप में शेयर करना ताकि वो भी फास्ट इंटरनेट को एक्सेस कर सकें फ़ोन में। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल के बेल आइकन को ऊपर प्रेस कर देना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।